लास्ट लेक्चर तक किसी को कोई डाउट? स्प्रिंग फोर्स तक आई गेस मैंने पढ़ा था आप लोगों को, किसी को कोई डाउट? ओके, यहां तक क्लियर है? बोलो निशिम सर। आपने समय रिकॉर्डिंग भी देखा सर, आपने स्प्रिंग फोर्स नहीं पढ़ा था सर, दो पेज वो बाजू लिखा है। ठीक है ठीक है सर, भाई मैं भी बोल। ठीक है, लोअर योर हैंड्स। फाइन, स्प्रिंग फोर्स से स्टार्ट करते हैं। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है बच्चों? माइनस के एक्स वेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि अगर इलोंगेशन होगा तो ये पीछे की तरफ लगेगा, और कंप्रेशन होगा तो आगे की तरफ लगेगा। तो वर्क डन इज एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग आएगा एफ स्प्रिंग डॉट डी एस वेक्टर। एफ स्प्रिंग डी एस कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो के एक्स डी एक्स कॉस 180, क्योंकि इलोंगेशन और कंप्रेशन के अपोजिट होता है फोर्स, तो एंगल 180 डिग्री आएगा। माइनस के बाहर एक्स डी एक्स, माइनस के बाहर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, और कहां से कहां तक? एक्स इनिशियल से लेके एक्स फाइनल तक। फाइनल कंप्रेशन और इलोंगेशन, इनिशियल कंप्रेशन और इलोंगेशन। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आ जाएगा? माइनस के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर बाय टू। तो आपका यहां पे वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या लिख सकते हैं हम? माइनस के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर बाय टू, और के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर बाय टू। मैंने माइनस साइन को अंदर ले लिया और अंदर चेंज कर दिया है। समझाने के लिए मैंने लिख दिया एफ स्प्रिंग इज माइनस के एक्स वेक्टर, मैग्नीट्यूड इज के एक्स, डी एस इज डी एक्स वेक्टर, थीटा इज 180 डिग्री बिकॉज स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू इलोंगेशन और कंप्रेशन। ओके, एंड इलोंगेशन एंड कंप्रेशन आर ऑलवेज मेजर्ड व्हाट? आर ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल लेंथ। क्या यहां तक बात समझ में आती है? कोई डाउट? तो स्प्रिंग फोर्स का हम ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये हमारा स्प्रिंग है जो उसकी नेचुरल लेंथ दे रखी है। अब मैंने इस नेचुरल लेंथ से इनिशियली इसको इलोंगेट किया, ये इनिशियल पोजीशन है, बाय एक्स वन इलोंगेट किया है, इनिशियली स्ट्रेस्ड बाय एक्स वन। फिर मैंने इसको कंप्रेस किया, ये फाइनल पोजीशन है, बाय एक्स टू। वी हैव कंसिडर्ड फाइनल स्टेट एट दैट टाइम व्हेन कंप्रेशन इज एक्स टू। ओके, तो अगर कोई मुझसे कहेगा, बोलो राज। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, बट मुझे वो वर्क डन की केस वन में फिर से डाउट आ रहा है। ओके, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो रेज हैंड कर देना यार। आयुष खरत प्लीज रेज योर हैंड। क्या डाउट आ रहा है आपको? सर मुझे आपने जो केस टाइम से ज्वाइन किया करो, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में पूछा था आपसे कि प्रीवियस टॉपिक में कोई डाउट है क्या। सॉरी बोलो सर, जो केस वन है उसके एग्जांपल समझ में आ गए मुझे, कि अपने वो डीएस कॉस थीटा को डीएक्स ले लिया तो फिर वो सारे डीएक्स मिलकर वो हो गया पूरा। बट वो जो रैंडम पाथ है उसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो कौन सा ज़िगज़ैग पाथ लिया ना, और वो फोर्स एक सिंगल डायरेक्शन में कांस्टेंटली लग रहा है। एक मिनट, ये केस टू है। कौन सा कह रहे हो राज? नहीं सर, इसके पहले वाली केस, इसके पहले वाली केस। कौन सा? हाँ यही वाला, यही वाला। हाँ क्या?
सर तो इसमें वो क्या डीएस कॉस थीटा को हम कैसे कुछ डीएक्स वगैरह लेंगे, इसमें कैसे वो समीशन होके ए बी आर आए? फोर्स में आ रहा है राइट में, दिख रहा है? दिख रहा है। यहाँ पे डीएस होगा। एंगल कुछ अल्फा होगा, अल्फा। तो ये आ जाएगा डी एक्स वन। यस सर। कितना आएगा? डी एस कॉस अल्फा। यस सर। सेम वे में यहाँ पे देखूंगा। यस सर। सेम वे में यहाँ पे देखूंगा। यस सर। देखते जाऊंगा तो सबको ऐड करूंगा तो क्या आएगा सर? तो फिर वो ए से, सुनो सुनो सुनो, सबको ऐड करूंगा तो इधर वाला आएगा। यस सर। ये मैंने अगर एस लिया है और ये एंगल थीटा है तो यहां से यहां तक क्या है? एस कॉस थीटा का। हाँ हाँ, एस कॉस थीटा। तो वही हो गया डी एस कॉस अल्फा। हाँ समझ में आई बात? यस सर, आप समझ में। थैंक यू सर। वेलकम। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी लगे कि सर फास्ट पढ़ा रहे हो तो मुझे रोक देना बच्चों। निलाप बोलो। नहीं सर, मैं यही बोलने वाला था कि सर थोड़ा सा मतलब हो सके तो कम फास्ट चालो, क्योंकि सॉरी सर अगर मतलब पॉसिबल है तो थोड़ा कम फास्ट रह सकते तो। बिल्कुल पॉसिबल है यार, घबरा क्यों रहे आप? मुझे बताते रहा करो कहाँ पे फास्ट चला गया। कोई चीज समझ में नहीं आई तो मुझे बता देना। क्या तो नहीं समझ में आया? फॉलो करना हार्ड हो जाता है मतलब एक चीज। इधर देखो, स्प्रिंग फोर्स माइनस केएफ होता है। ओके, माइनस केएक्स क्यों होता है? कि अगर इलोंगेशन हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगा और कंप्रेशन हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स आगे लगेगा। तो हमेशा क्या होगा? ऑपोजिट होगा। अब वर्क डन का फॉर्मूला जो आपको पढ़ाया गया है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर है। अब स्प्रिंग की बात करेंगे तो एफ स्प्रिंग डॉट डीएस वेक्टर, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ स्प्रिंग डीएस कॉस थीटा। और जब इसको रिप्लेस करूंगा तो देखते जाना, इंटीग्रेशन स्प्रिंग फोर्स की जगह लिखा बच्चों डीएक्स, डिस्प्लेसमेंट डीएक्स ले लिया एंड कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस ऑफ 180 डिग्री क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है या सॉरी इलोंगेशन हो रहा है राइट में तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट में लगेगा, कंप्रेशन लेफ्ट में हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स राइट में लगेगा। अब इसमें कॉन्स्टेंट क्या है? माइनस के बाहर आ जाएगा, कॉस 180 का माइनस और के बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स हमने देखा था एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एक्स की पावर वन का होगा एक्स स्क्वायर बाय टू, इनिशियल से लेकर फाइनल तक। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा? माइनस के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर बाय टू। आई गेस यहां तक क्लियर है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर बाय टू, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर बाय टू। ओके, एफ स्प्रिंग आ गया आपका कितना? माइनस के एक्स वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है के एक्स, और डिस्प्लेसमेंट को मैं डी एक्स भी लिख सकता हूं। मैंने वहां पे कॉस 180 इसलिए लिया था थीटा, क्योंकि 180 होगा थीटा, 180 क्यों होगा? बिकॉज स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू इलोंगेशन और कंप्रेशन, हमेशा ही ऑपोजिट होगा इलोंगेशन के या फिर कंप्रेशन के, इसलिए एंगल हमेशा ही 180 डिग्री होगा। एंड मैंने समझाया इलोंगेशन एंड कंप्रेशन आर ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल लेंथ। ये मैं ऑलरेडी स्प्रिंग फोर्स में पढ़ाकर आ चुका हूं, इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। अभी ठीक है,
आयुष खरत प्लीज एक बार रेज हैंड करो, कैन यू स्विच ऑन योर माइक, एटलीस्ट रिप्लाई करो. निलाब अभी ठीक है? हाँ निलाब बोलो. नहीं सर आपने पूछा था तो हाँ ठीक है ना. हाँ सर थैंक यू सर. ये हमारी नेचुरल लेंथ पोजीशन दे रखी है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, मास एम दे रखा है और ये नेचुरल लेंथ है. हमने फोर्स लगाकर इस स्प्रिंग को इलोंगेट किया, ये नेचुरल लेंथ वाली लाइन दिख रही है, राइट में खींचा है मतलब इलोंगेट हुआ है. इलोंगेट कितना हुआ है? बाय एक्स वन. सो इट इज गिवन इनिशियली स्ट्रेस्ड बाय एक्स वन, स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय एक्स वन. फिर उसके बाद कंप्रेस किया है फाइनल स्टेट में बाय एक्स टू. या हमने फाइनल स्टेट वो ली है जहां पे कंप्रेशन हो रहा है एक्स टू का. वी हैव कंसिडर्ड फाइनल स्टेट एट दैट टाइम व्हेन कंप्रेशन इज एक्स टू. ये मैंने बताया. तो यहां पे क्या क्या चीज देखने वाली है? ये नेचुरल लेंथ से इलोंगेशन राइट में देखा तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा. और नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन लेफ्ट में देखा तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? राइट में लगेगा. आई गेस यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है? तो हमसे पूछा गया है वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स. तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कितना होता है, माइनस के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर बाय टू, और इट कैन बी रिटन एज के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर बाय टू. तो वर्क डन बाय स्प्रिंग आ जाएगा हाफ के एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर. एक्स इनिशियल की वैल्यू एक्स वन होगी, एक्स फाइनल की वैल्यू एक्स टू होगी. क्वेश्चन में दिख रहा है हमें क्लियरली, ये इनिशियल पोजिशन है और ये फाइनल पोजिशन है. यहां तक क्लियर है? अगर हमसे पूछा जाता ऑल्सो फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल लेंथ, इनिशियल स्टेट में निकालो नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में, फाइनल स्टेट में निकालो नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में, ये पूछा गया है. हाँ निशिम बोलो. सो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है क्या? वर्क याद करना. तो हमसे पूछा गया इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट पे निकालो नेचुरल लेंथ. तो नेचुरल लेंथ मेरी इनिशियल स्टेट हो गई. तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा? माइनस के एक्स फाइनल, एक्स फाइनल विल बी एक्स वन. अगर मैं इनिशियल की बात कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल, नेचुरल में इलोंगेशन जीरो होता है. तो माइनस हाफ के एक्स वन स्क्वायर होगा इनिशियल वाले का आंसर. वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स फाइनल विल बी एक्स टू एंड एक्स इनिशियल इज जीरो नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में देख रहे तो माइनस हाफ के एक्स टू स्क्वायर आएगा फाइनल. इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो धनमित. सर ये माइनस वाला इनिशियल में कैसे आया? बच्चे किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ? नेचुरल लेंथ पोजीशन सर. तो नेचुरल लेंथ पे इनिशियल कितना हो गया? जीरो. इनिशियल हाँ राइट सर. और ये वाला फाइनल हो गया जब इसकी बात कर रहा तो. ओके सर. और इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा तो ये वाला फाइनल हो गया करेक्ट? यस सर. मुझे लगा तो लैंग्वेज में घुमाया है उन्होंने, समझ में आई बात? यस सर. आदित्य बोलो. To what were we calculating in Abu case? Sorry. आपकी आवाज नहीं आई बच्चे, वापस बोलो. आदित्य. Hello. With respect to what we were calculating in the Abu case? इस केस में तो डायरेक्ट दे रखा है तो this is initial and this is final. और इधर explicit है? मतलब इनिशियल हमने तो एनलोंगेट किया है ना उसे. हाँ तो हमने इनिशियल ये बताया है पहले केस में और फाइनल ये है राइट. सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने एक्सप्लिसिटली कहा है नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में निकालो. ओके. दो अलग अलग स्टेट में, तो पहली स्टेट में ये फाइनल हो गया नेचुरल के रिस्पेक्ट में और दूसरी स्टेट में ये फाइनल हो गया नेचुरल के रिस्पेक्ट में राइट. यस सर. क्षितिज बोलो.
सर अगर स्प्रिंग एलोंगेट करके फिर से इनिशियल पर रख दी जाए तो वर्क डन जीरो हो जाएगा ना? हाँ, प्रोवाइडेड आप इनिशियल और फाइनल को कंपेयर कर रहे हो. बेसिकली आप ऐसा देख रहे हो कि ये मेरी इनिशियल थी, ठीक है, हाँ ये ब्लॉक कंप्रेस हुआ और फिर वापस एक्सटेंड होके यहीं पहुंच गया, ठीक है. हाँ, तो आपको तो कुछ देखना ही नहीं है ना. स्प्रिंग फोर्स तो बहुत ही अच्छा है. इनिशियल स्टेट देखो, फाइनल देखो और फॉर्मूले में डाल दो. बीच में क्या होता, कोई लेना देना ही नहीं है, राइट? यस सर. चलो लोअर योर हैंड प्लीज. नेक्स्ट इज वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, इसमें दो केसेस पढ़ेंगे. क्षितिज माइक ऑफ कर लो बच्चे. केस वन, ऑब्जेक्ट मास एम का है, फोर्स एफ लगा रहे, यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दे रखा है. केस वन में दे रखा है जो अप्लाइड फोर्स है वो लेस देन एफ एस मैक्स है, म्यू टाइम्स एन. अब लेस देन एफ एस मैक्स है तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा. इन दिस पार्टिकल विल नॉट मूव क्योंकि अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा है, एफ एस मैक्स से, लिमिटिंग फ्रिक्शन से रादर. पार्टिकल मूव नहीं करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, जीरो आएगा. और डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन विल आल्सो बी जीरो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. दिस इज आवर केस वन. इसमें किसी को कोई डाउट? केस टू देखते हैं बच्चों. ये ऑब्जेक्ट है ए, ये ऑब्जेक्ट है बी. ओके, ऑब्जेक्ट ए पर आपने फोर्स एफ लगाया और ऐसा दे रखा है कि दोनों ऑब्जेक्ट एस डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट एस हो रहा है साथ में. क्या गिवन है? देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन ए एंड बी. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. अगर रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगा, हेंस दे विल हैव सेम डिस्प्लेसमेंट. सो दैट्स व्हाट दे हैव गिवन. They have same displacement, what? S. ये दे रखा है, राइट? नीचे वाला सरफेस स्मूथ दे ही रखा है. इस केस में आपसे पूछा गया है वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन. तो सबसे पहले क्या करूंगा, एफ बी डी बनाऊंगा. ये पार्टिकल ए रखा, इस पे फोर्स एफ आगे लगाया और पीछे क्या लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन. क्यों? क्योंकि बी को आगे ले जाने वाला इकलौता फोर्स होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट? एफ बी डी बनाने के बाद डिस्प्लेसमेंट देखा दोनों का, कितना आ रहा है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट एस आ रहा है, दैट इज टुवर्ड्स राइट. ओके, तो वर्क डन बाय एफ स्टैटिक ऑन ए विल बी एफ स्टैटिक डॉट एस ए एफ एस कॉस 180, क्योंकि ए पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, राइट? तो ये आ जाएगा माइनस एफ एस. सेम चीज वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी देखेंगे, एफ वेक्टर डॉट एस बी वेक्टर एफ एस एस कॉस जीरो, क्योंकि फ्रिक्शन बी पे आगे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, आगे हो रहा है, तो ये प्लस एफ एस आ जाएगा. अगर नेट वर्क डन देखना है by friction on system, so this will be what? Zero. Clear hai kya concept? Case one, case two. हाँ भाई हर्ष बोलो. सर नेटवर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो कैसे होगा ऑन द सिस्टम? प्लस एफएस किस पे आया? सर बी पे. और माइनस एफएस किस पे आया? हाँ सर. ओके धर्मित बोलो. बट सर वो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है और मतलब नेट फ्रिक्शन, मुझे मतलब ये नेटवर्क समझा नहीं, इट वुड बी मूविंग राइट? हाँ, तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव. And it could still be moving then to uska work zero ho sakta hai, right? A se B pe ek position se dusri position pe gaye. Haan sir.
तो नेट वर्क डन सिस्टम पे जीरो कह रहे हैं ना, मैं कब कह रहा हूँ कि ए पर जीरो या बी पे जीरो है? अच्छा, मिलाकर जीरो होता है ना। थैंक यू। प्लीज रेज योर हैंड किसी को भी डाउट है तो। आदित्य सिंह, हाँ बच्चे बोलो। सर वो ए पे जो माइनस आ रहा है तो सर उस पे दो फोर्स लग रहे हैं ना, एक लेफ्ट और राइट में। मेरे को तो किसका फ्रिक्शन का निकालना है ना। हाँ सर, तो मैं राइट वाले फोर्स की तो बात ही नहीं करूंगा। अच्छा तो फिर लेफ्ट वाले का बात, ठीक है ओके सर, समझो। क्योंकि मुझे तो फ्रिक्शन का निकालना है ना, एजेंडा इज टू अंडरस्टैंड फ्रिक्शन किसका है। हाँ सर, राइट वाले का फ्रिक्शन निकालना। यस सर, थैंक यू सर। क्रिश बोलो। हाँ क्रिश बोलो बच्चे। सर वर्क डन बाय एफ नहीं निकालेंगे क्या फोर्स का? टॉपिक क्या है? फ्रिक्शन का। हाँ तो फ्रिक्शन का निकालेंगे, एक एक करके सीख रहे हैं सबका। ओके, जब एक बार सबका सीख जाएंगे फिर सबका निकालेंगे एक साथ, राइट? फिर नेट में उसका नहीं आएगा क्या सर? नेट में आएगा ना, नेट वर्क डन बाय लिखा है ना बच्चे यहाँ पर। सॉरी सॉरी, मैं सिर्फ किसका देख रहा हूँ, बाय फ्रिक्शन। मेरा एजेंडा इस टॉपिक में फ्रिक्शन का वर्क डन देखना है, बाकी फोर्स एमजी का नहीं देखा, नॉर्मल का नहीं देखा, मुझे लेने देना ही नहीं उससे, ठीक है? ओके। हाँ ध्रुव। हेलो सर। हाँ सर बोलो। सर ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लोग मूवी नहीं कर रहे तो फ्रिक्शन काम ही नहीं किया कुछ? नहीं नहीं समझना ऐसा। अच्छा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फिर आप बाद में जब क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो आप कह दोगे कि जीरो हो गया। नहीं, वो रिलेटिवली जीरो हुआ है। हाँ सर वही बोला। बोलो संकेत। हेलो सर। सर ये मतलब ज्यादातर फोर्सेस में तो हम देख रहे हैं कि ये नेट वर्क डन ऑन सिस्टम जीरो आ रहा है, तो कौन से फोर्स में जीरो नहीं आता है? जिसमें नहीं आएगा मैं उसको डिफाइन नहीं करना चाहता अलग से, क्वेश्चन में देखेंगे। मैं आज कराऊंगा आपको 10-12 क्वेश्चन। सर आएंगे वैसे क्वेश्चंस? सब आएंगे। ओके सर। शुभम बोलो। तो मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि वो FS0 क्यों होगा। FS0 तो होता है क्या? सॉरी, नेट जीरो आ रहे हैं आपके। FS थोड़ी जीरो आ रहा है, वर्क डन जीरो आ रहा है। हाँ सर वर्क डन वही। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्लस 5 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो? पक्का? यस सर। तो अगर ये मैं माइनस FS करूंगा और प्लस FS करूंगा तो कितना होगा? हाँ हाँ ओके। थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, राइट? नहीं सर। चमका? हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। लोअर योर हैंड। वर्क डन बाय एफ काइनेटिक। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बेसिकली अब काइनेटिक फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा? मैंने ए पर फोर्स एफ लगाया है, बी ऑब्जेक्ट है, नीचे स्मूथ दे रखा है, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दे रखा है, बी हो रहा है हमारा डिस्प्लेस एस से। बी कितने से डिस्प्लेस हो रहा है? एस से। और ए वाला लेफ्ट एंड से राइट एंड पे चला गया, ठीक है? कुछ कुछ चीजें हमें गिवन है, गिवन है ए इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो ए की साइज मैटर नहीं करती। सेंटर ऑफ मास, बी को मैंने बड़ा ऑब्जेक्ट माना है तो उसका सेंटर या सेंटर ऑफ मास के बारे में बताना पड़ेगा। ऑफ बी इज डिस्प्लेस्ड बाय एस, तो बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस है, बट कौन से बी का? उसके सेंटर या सेंटर ऑफ मास का। समझने के लिए यहां तक बात समझ में आती है? तो अगर मैं एफ काइनेटिक देखूंगा ए पर तो वो पीछे की तरफ लगेगा, रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है, ये आगे जाएगा तो उस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा और बी ऑब्वियसली आगे ही लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि दैट्स द ओनली फोर्स बिकॉज ऑफ विच इट कैन डिस्प्लेस या और इट कैन एक्सेलरेट। तो दैट्स व्हाट आई हैव सेड कि एफ काइनेटिक ऑन ए विल बी लेफ्ट वर्ड्स एंड ऑन बी इट विल बी राइट वर्ड्स। अब स्टार पॉइंट आते हैं, बी का डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा है जो मैंने बता रखा है कि सेंटर, ए का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एस प्लस एल। रीजन बीइंग ये एंड यहां से ये एंड तक एस से डिस्प्लेस हुआ है, प्लस ए यहां नहीं है, अब
ए यहां पहुंच चुका है तो ये कितना है एल, तो ए का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा एस प्लस एल आएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? हाँ वैष्णवी बोलो बच्चे। हाँ वैष्णवी बोलो। हेलो। हाँ बच्चे बोलो। सर जो एफ के है वो फ्रंट में लग रहा है, मींस राइट में लग रहा है बी पे। हाँ वो लेफ्ट में क्यों नहीं लग रहा है? फ्रिक्शन आपको मैंने तो नहीं पढ़ा था, आई गेस आप भुसावल वाले बच्चों या फिर वो जलगांव वाले, राइट? हाँ। फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव स्लाइडिंग को रोकता है। हाँ। ए ऑब्जेक्ट पे फोर्स एफ किधर लग रहा है? राइट में। हाँ। तो उसकी वजह से ए किधर जाने की कोशिश करेगा? राइट में। यस। तो ए अगर राइट में जाने की कोशिश करेगा तो उस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि उसको रोकने की कोशिश करेगा, करेक्ट? हाँ। फिर न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ। एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो बी ने ए पर फ्रिक्शन पीछे लगाया, ए एफ के, तो ए बी पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा? इक्वल लगाएगा एफ के, अपोजिट डायरेक्शन मतलब राइट में लगाएगा। ओके समझा। समझा? यस। लोअर योर हैंड। अब अगेन मैं सिर्फ एफ काइनेटिक का वर्क डन देख रहा हूं, वर्क डन बाय एफ काइनेटिक ऑन ए कितना आ रहा है? सॉरी, वर्क डन बाय एफ काइनेटिक ऑन ए, एफ काइनेटिक वेक्टर डॉट एस ए वेक्टर, एफ काइनेटिक एस प्लस एल कॉस 180 डिग्री, तो माइनस एफ काइनेटिक एस प्लस एल आ गया। नेक्स्ट वर्क डन बाय एफ काइनेटिक ऑन बी, एफ काइनेटिक वेक्टर डॉट एस बी वेक्टर, एफ काइनेटिक एस कॉस जीरो, तो ये आएगा एफ काइनेटिक एस। और कोई मुझसे कहता है नेट वर्क डन निकालो बाय एफ काइनेटिक ऑन सिस्टम, तो क्या होगा? इट विल बी माइनस एफ काइनेटिक एस प्लस एल प्लस एफ काइनेटिक एस, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? माइनस एफ एल आ जाएगा जो कि नेगेटिव है। तो नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, हमारे केस में कितना आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। कोई डाउट किसी को? हाँ भाई मितेश। सर बोलो। आप वो गिवन एक बार समझा सकते हो क्या फिर से? क्या गिवन था बच्चे? जो ए पॉइंट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट होने की वजह से क्या हुआ, इसकी साइज मैटर नहीं करी, मतलब अगर वो इनिशियली यहाँ पे पॉइंट था तो बाद में वो यहाँ पे पॉइंट हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना ले सकता हूँ मैं? लेंथ ऑफ बी ले सकता हूँ। हाँ सर। राइट, इसलिए मैं ए का डिस्प्लेसमेंट कितना लिख पाया? एस प्लस एल। आई बात समझ? हाँ सर। क्लियर है? यस सर। थैंक यू सर। वेलकम। आर्यन बोलो। सर कैन नेट वर्क डन? नो, काइनेटिक फ्रिक्शन होना है ना तो रिलेटिव स्लाइडिंग तो होगी होगी, तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट कभी भी इक्वल नहीं होंगे, राइट? नो इट कैन नॉट बी। नेक्स्ट आ जाता है, लोअर योर हैंड आर्यन। वर्क डन बाय सूडो फोर्स, ओके? तो इंपॉर्टेंट चीज है, इट विल बी एप्लीकेबल ओनली इन या ओनली फॉर नॉन इनर्शियल और एक्सेलरेटिंग फ्रेम, क्योंकि सूडो फोर्स केवल और केवल उसी जगह लगता है, ओके? एंड इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस पे यूज होगा, वहां पे मैं समझाते जाऊंगा। क्या ये बात समझ में आती है? सूडो फोर्स कहां लगता है? सिर्फ और सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम में,
तो वर्क डन कहां निकालेंगे सूडो फोर्स का, सिर्फ और सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम में। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके बोलो दुबे जी। सर जैसे सूडो फोर्स मतलब रियलिटी में नहीं होता है, वैसे ही वर्क डन बाय सूडो फोर्स भी नहीं होगा ना? आप बताओ, ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा ना, लॉजिक है। इमेजिनरी फोर्स है तो वर्क डन बाय इमेजिनरी फोर्स ही होगा वो। क्लियर है? हाँ ओके सर। लोअर योर हैंड। नोट देखते बच्चों, इन केस ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, डिस्प्लेसमेंट टेकन इन वर्क डन इज displacement of point of application of force. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारा एक ऑब्जेक्ट है मास m का, यहां पे हम फोर्स f लगा रहे हैं और ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो हम डिस्प्लेसमेंट क्या देखेंगे? a से b का डिस्टेंस देखेंगे L. तो डिस्प्लेसमेंट S विल बी इक्वल टू L बिकॉज फोर्स इज अप्लाइड एट A. ओके, जनरल पॉइंट है ये, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप में यूज हो जाता है, इसलिए मैंने यहां पे बता दिया है। यहां तक बात समझ में आती है? कोई डाउट? एल्स आई एम गोइंग टू रब दिस। ओके अभी तो हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है, जब तक कहूंगा नहीं तब तक सारे ऑब्जेक्ट्स पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अगला चैप्टर आएगा तब ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करेंगे। नेक्स्ट, इन केस ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स, जब बड़े ऑब्जेक्ट होंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, सूडो फोर्स या एमजी कहां लगेगा? सेंटर पे लगेगा या फिर सेंटर ऑफ मास पे लगेगा? ओके लार्ज ऑब्जेक्ट्स के केस में कहां लगेगा? सेंटर पे लगेगा या सेंटर ऑफ मास पे लगेगा? ठीक है, तो सही समय पे इसका एग्जांपल बताऊंगा आपको, ये दो पॉइंट्स ध्यान रखने। कोई डाउट? सेंटर ऑफ मास इज आवर नेक्स्ट चैप्टर, वहां देखेंगे ओम। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में आएगा वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, एफ डीएस कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में फोर्स को लिख देता हूं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और जो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है उसको लिख देता हूं x एक्सिस पर dx i कैप प्लस dy j कैप y एक्सिस का एंड dz k कैप z एक्सिस का। अब वर्क डन निकालूंगा तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। अब x एक्सिस वालों का डॉट प्रोडक्ट क्या देगा? fx dx cos 0, y वालों का क्या देगा? fy dy cos 0, सिमिलरली fz वालों का क्या देगा? fz dz cos 0, तो वो एंगल लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ fx dx plus fy dy plus fz dz and we'll do questions on this today, don't worry. Bolo Sanket, ho gaya kya clear aapka? Dot product karate time xx walo ka karaya to cos 0 ho gaya, agar opposite hote to cos 180 aa jata, wo question mein dikh jayega aapko. Okay, next point, kyunki work done integration of fds hota hai aur main calculus mein clearly padha chuka hu, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव वर्क। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया क्या देगा? हमें वर्क डन देगा। क्या ये बात समझ में आती है? नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे आज क्वेश्चन में यूज होगा,
आई एम डिफाइनिंग काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज हाफ मास इनटू स्पीड का स्क्वायर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या फिर स्पीड का स्क्वायर. दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. ध्यान रखना है एम इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो दिस इज आवर काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि यहां पे स्पीड आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट भी जूल ही होती है. डायमेंशन इसके जूल के साथ ही मैच करते हैं तो इसकी ऐसा यूनिट भी जूल ही होती है. ओके यहां तक कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से मेजर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम. क्योंकि थ्योरम है तो उसको प्रूव भी करेंगे. देखना क्या कहता है थ्योरम. इट स्टेट्स दैट नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस जो सिस्टम का पार्ट है प्लस एक्सटर्नल जो सिस्टम का पार्ट नहीं है, इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. जो भी आपने वर्क डन किया वो वर्क डन, नेट वर्क डन हमेशा किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के होगा. तो एक्सप्रेशन वाइज हो जाएगा वर्क डन नेट इज डेल्टा के ई, चेंज का मतलब डेल्टा के ई, दैट इज के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल. जो मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई. अब यहां पे मैंने एक और चीज लिख रखी है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई. ये एक्सप्रेशन आगे आने ही वाला है तो मैंने अभी लिख दिया. मैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज नहीं समझा रहा हूं, आई विल एक्सप्लेन these forces in the next lecture. अभी समझने के लिए क्या है, ये जो conservative, non-conservative and other forces हैं, ये external और internal forces का ही part है. These forces are part of external and internal forces. तो external plus internal forces के जो sub parts हैं, वो होंगे conservative and non-conservative forces and other forces. ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया statement क्या बताया, statement मैंने बताया वर्क डन नेट दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस इंटरनल इज डेल्टा के ई. ये थ्योरम है, इस थ्योरम का प्रूफ मैं बताऊंगा. और इसी थ्योरम में क्या होता है कि ये एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव एंड अदर फोर्सेस आ जाते हैं एक्सटर्नल इंटरनल के अंदर, तो वो भी मैंने लिख दिया है कैसे आते क्या आते हैं, दैट आई टीच बट अ बिट लेटर. बोलो भाई शुभम या आकर्षित बोलो. आकर्षित माइक ऑन करो. आकर्षित आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया वो. नहीं सर. हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. सर मुझे ये डाउट है कि एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स मतलब कौन कौन से फोर्स, कौन कौन से क्या, जो सिस्टम का पार्ट होता है वो इंटरनल होता है, जो सिस्टम के बाहर होता है वो एक्सटर्नल होता है. ये तो मैंने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था ना कि अगर मैंने अर्थ को सिस्टम का पार्ट नहीं लिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है, अर्थ लगाता है. यस सर. तो वो तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया. ओके. बट अर्थ को सिस्टम का पार्ट ले लिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, इंटरनल हो गया. तो आप ब्रेक नहीं कर सकते हो कि ये एक्सटर्नल है ये इंटरनल, नहीं, वो डिपेंड करता है मैं सिस्टम क्या लेता हूँ. समझ में आ रही बात? ओके सर समझा. तो वो चीज जो मैं कह रहा था वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक्सप्लिसिटली, ऑल कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव एंड अदर फोर्सेस comes under internal and external forces only. Also, we'll study about them later in this chapter. हम पढ़ेंगे इस chapter के अंदर, ठीक है? तो हमारा जो expression आया है, net work done is delta ke,
दैट इज के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. ये मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम है. इसका मैं प्रूफ बता रहा हूं. अब प्रूफ क्या है? वर्क डन हमें पता है इंटीग्रेशन, नेट वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस कॉस थीटा. लेट थीटा बी जीरो डिग्री. प्रूव करने के लिए मैंने थीटा को जीरो माना है. वी कैन प्रूव इट फॉर एनी एंगल. सिंप्लिसिटी के लिए मैंने थीटा जीरो ले लिया. तो वर्क डन इज एफ डी एस कॉस जीरो. एफ की जगह मैं लिख दूंगा एम इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन. डी एस कॉस जीरो इज वन. ओके, तो मेरा ये वर्क डन आ गया है. तो वर्क डन में जो कांस्टेंट है बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के, एम इज कांस्टेंट टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन ऑफ एडीएस बचा. काइनेमैटिक्स में हम पढ़कर आए, ऑल्सो वी नो एक्सेलरेशन इज वी डीवी बाय डीएस. तो एडीएस कितना हो जाएगा आपका? वी डीवी हो जाएगा. और इंटीग्रेशन ऑफ एडीएस क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ वी डीवी हो जाएगा. बोलो राज. सर ये एटी रहेगा या एआर, मतलब टेंजेंशियल रहेगा या रेडियल रहेगा? ये तो वो रहेगा ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला. कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन? वर्क फॉर एनर्जी. तो उसमें सर्कुलर का ए तो एक्सेलरेशन रहेगा ना. दिस इज द नेट एक्सेलरेशन. एआर ले लो, एटी ले लो, कुछ भी ले लो, मूव आउट ऑफ सर्कुलर मोशन ना हो. वहां पे भी ए क्या लिया था राज मैंने? नेट एक्सेलरेशन लिया. यस, समझ में आ रही बात? हाँ यस सर. Okay, so coming back to the point, M integration of ADS can be written as M integration of VDV. VDV का integration, M तो बाहर, VDV का V square by 2, U से लेके V तक integrate करूंगा, तो half M V square minus U square आ गया. तो work done net कितना आ गया? Half M V square minus half M U square, that is KE final minus KE initial, that is equal to delta KE. Although we have proved above for theta equal to 0 degree, but same is valid for any theta. Theorem में कोई दिक्कत, कोई point समझ में नहीं आया हो? Fast तो नहीं गया बच्चों? Message chat में reply कर दो बस. Aditya and Nilab clear है ना? हाँ, okay fine. इसके एप्लीकेशन क्या है जो आज मैं क्वेश्चंस में कराने वाला हूं अभी. एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम इन काइनेमैटिक्स. इफ वी नो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इफ यू नो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, देन वी यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन. एंड इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, then we use differentiation and integration to get velocity and displacement. But yahan pe aisa kuch karne ki zarurat nahi hai. But now we can directly use net work done is delta ke. To aap directly nikal sakte ho is expression se. Net work done kaun kaun se forces hongi? Spring hoga, mg hoga, normal hoga, friction hoga, tension hoga, सूडो फोर्स होगा, एक्सेट्रा कुछ भी होगा. तो आप नेट वर्क डन इस डेल्टा के ही डायरेक्टली निकाल सकते हो. ओके, एक टॉपिक और पढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे. दैट टॉपिक इज पावर. पावर इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ एनर्जी यूज्ड. तो पावर आ जाएगा dW बाई dt या एनर्जी अपॉन टाइम. वर्क डन होता है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस. डी डब्ल्यू बाई डी टी है तो यहां पे आप एफ डी एस लिख दो. जस्ट अ मिनट, ये इंटीग्रेशन साइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डी डब्ल्यू लिखता हूं ना, तो इंटीग्रेशन साइन लिखने की जरूरत नहीं है. तो एफ डी एस बाई डी टी, एफ डी एस बाई डी टी को क्या लिख सकता हूं मैं? वेलोसिटी. F dot V आ जाएगा पावर. तो पावर का जो एक्सप्रेशन हमें ध्यान रखना है, that is work done or energy per unit time, dW by dt, which can be written as F vector dot V vector. Okay, where F is force, V is velocity, और ये dot product है. Dot product है तो ये scalar quantity भी होगा.
तो लिख सकता हूँ FV cos theta, where theta is angle between F vector and V vector. It is scalar quantity क्योंकि dot product है, और इसकी SI unit होगी watt, where 1 watt is equal to 1 joule per second. कोई doubt? Clear है क्या बच्चों? नहीं भाई, अभी कहां से थ्योरी कंप्लीट हो गई, बहुत सारी बाकी है अभी तो. बोलो निशुम. तो मैं ये लास्ट पेज से थोड़ा फास्ट कैसे आप थोड़ा मैं एक बार सर देख सकता हूँ पेज खाली सर ताकि मैं कॉम्प्रिहेंड कर सकूँ सब कुछ. पावर दोबारा बता देता हूँ, माइक ऑन रखो. यस सर. क्या है वर्क डन अपॉन टाइम? रेट ऑफ वर्क डन, रेट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? यस. dw / dt. यस. इंटीग्रेशन ऑफ dw fds होता है, तो yes, dw sir. कितना होगा? fds हो जाएगा. यस सर. by dt. yes, right sir. ds by dt क्या होता है लड़के? velocity. velocity होता है. yes sir. और force of it is. yes sir, अभी समझ गया. तो dw by dt कितना आएगा? f vector dot v vector आएगा. okay. और यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम? f is force, v is velocity, और ये dot product आ रहा है, तो f v cos theta भी आ सकता है. scalar हो जाएगा और ऐसा unit watt हो जाएगी. किसी को कोई डाउट? चलो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. सॉल्व करो फर्स्ट फोर क्वेश्चंस. करो बच्चों सॉल्व. अरे अच्छी वर्मा यार, सॉल्व करो ना आप. अच्छा, आई एम मूविंग आउट ऑफ माय चेयर फॉर अ मिनट. आप क्वेश्चन सॉल्व करो. फटाफट हो जानी चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं ये.
सारे आंसर निकाल लो, एक साथ डिस्कस कर लेंगे बच्चा। हाँ कर्षित ऐसे ही आ रहा है। चलो किसी का बाकी है क्या, रेज हैंड करो। ओके आंसर से कर लेते हैं। शुभम कितना बाकी है बच्चे, माइक ऑन करो। सर एक काम है बस। हो गया, वैल्यूज देख लिया फिर क्या है दिखाऊं क्वेश्चन। अरे भाई माइक ऑफ कर दिया। हाँ शुभम माइक ऑफ। माइक एचसीवी है ना ये? हाँ सर मैं देख लूंगा, मेरे पास है। अरे करो 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 फटाफट करो, सामने है, फटाफट करो। आई थिंक हो गया शुभम आपका भी। लेट्स चेक द आंसर्स। ये आंसर दे रखे बच्चों, क्वेश्चन 1, 2, 3 and 4। नाउ आई विल कॉल आउट द क्वेश्चंस, इफ यू हैव डाउट जस्ट रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 1, ए भाई दुबे जी इसमें भी डाउट है आपको? सर मैंने किया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, लेकिन आपको पता है मुझे, आपने वेलोसिटी को यूनिटी चेंज नहीं किया होगा, आपने तो किलोमीटर पर आवर में छोड़ दिया होगा। नहीं सर मीटर पर सेकंड में किया लेकिन नहीं आया। कौन से प्लैनेट से आए हो आप? हैं वी कितना दे रखा है, 12? यस सर। इनटू 5/18? 18 यस सर। कितना आएगा ये, 10/3? हाँ सर। वी स्क्वायर कितना आएगा, 100/3? हाँ यस सर। यू कितना है, 6 यस सर। 5/18 5/3 आएगा। यू स्क्वायर कितना आएगा? सर 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 कैलकुलेशन मिस्टेक था यस सर, दिख गया। शर्म नहीं आ रही यार, कैसे कैसे सवाल पूछते हो आप यार। सॉरी सर सर। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो वैष्णवी बच्चे। वैष्णवी माइक ऑन करो बच्चे, मैंने परमिशन दिया ना आपको। हाँ
सर लास्ट क्वेश्चन में वी का स्क्वायर वेट क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हो क्या आप? फर्स्ट का फर्स्ट में क्या चाहिए? 100 बाय 9 आएगा ना? हां 100 बाय 9 आएगा, वो मैंने गलती से लिख दिया था, वो ठीक है, उन्होंने कैलकुलेशन चेक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, लोअर योर हैंड वैष्णवी अगर डाउट क्लियर हो गया तो। 3, 4, ये आपका 250 आ रहा है, ये 245 दे रखा है क्योंकि जी की वैल्यू इन्होंने 9.8 ली है। आई बात समझ में? फैज अभी भी डाउट है क्या? माइक ऑन करो फैज। सर थर्ड का आंसर -400 कैसे गया? ओके क्या दे रखा है? अ बॉक्स इज पुश्ड थ्रू 4 meters अक्रॉस अ फ्लोर ऑफरिंग अ 400 newton रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फोर्स है, तो रेजिस्टेंस हमेशा मोशन के अपोजिट होगा, एफ रेजिस्टेंस पीछे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट आगे आएगा। आया क्या समझ में फैज? माइक मत ऑफ किया करो बच्चे डिस्कशन के टाइम पे। यस ओके, किसी को क्वेश्चन नंबर 4 तक कोई डाउट? फाइन, 5, 6, 7 सॉल्व करो। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 5 मिनट है आपके पास। आंसर मत बताओ, एक साथ डिस्कशन होगा बच्चों। आई गेस 0 तो नहीं आएगा।
लास्ट टू मिनट्स आई डोंट नो थीटा क्या है निशिम इस क्वेश्चन के बाद भेज दूंगा मैं ओके मैंने इनफ टाइम दिया डिस्कस करते हैं बच्चों क्वेश्चन सिक्स का आंसर क्वेश्चन फाइव का आंसर है दिस सिक्स इज जीरो सेवन इज फोर्टी ओके I'm calling out the question. Just raise your hand if you have doubt. Question number five. Akarshit. Sir, मुझसे question हो गया बस मुझे एक general doubt है कि जो JE exam में हम लोग को root three, root two, root five की value दी गई जाएगी कि हम लोग को याद होनी चाहिए. याद होनी. Root two, root three तो याद होनी चाहिए. Okay sir. संकेत सर फिफ्थ में ये पावर नहीं निकाल पाया स्टेशनरी दे रखा है पार्टिकल यस सर फोर्स दे रखा है मास दे रखा है यस सर एक्सेलरेशन कितना आएगा एफ बाय एम एफ बाय एम यस सर 2.5 बाय 15 ग्राम्स है ना 15 इनटू 10 की पावर माइनस 3 यस सर राइट यस एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा हमारा 2500 by 15 तो ये आएगा 500 by 3 U हमारा 0 है राइट यस सर S मेरा कितना है 2.5 मीटर यस सर तो मैं S is equals to UT plus half AT square निकाल सकता हूँ यस सर क्योंकि acceleration constant था तो 2.5 0 plus half into 500 by 3 T square, yes, sir. तो T की वैल्यू निकाल लेना रूट थ्री बाय टेन आ जाएगा yes, sir. अब हो जाएगा सॉल्व हाँ सर हो जाएगा वर्क डन क्या है F into S है ना F dot S F dot S 2.5 into 2.5 6.25 पावर कितना आ जाएगा 6.25 डिवाइडेड बाय रूट थ्री बाय टेन 62.5 by root 3 आई बात समझ में यस सर कोई डाउट
शुभम अभी भी डाउट है सर, नेक्स्ट सम है तो अभी से क्यों हाथ खड़ा कर रखा है? लोअर योर हैंड। हर्ष बोलो। हेलो सर। सर मुझे, मैंने दूसरे मेथड से किया सर, मैंने नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूला से किया, तो सर आंसर अलग आया। कैसे आएगा? फाइनल फाइनल एनर्जी वी निकाला होगा ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as है सर। नेट वर्क डन 6.25 आया और फिर हाफ एम वी, हां हां सर 6.25 और फिर हाफ एम वी स्क्वायर में हमको मास दिया है और वी स्क्वायर, वी को कांस्टेंट रखा ना सर, और फिर उधर से वो यू स्क्वायर निकाल क्या रहे हो आप? क्वेश्चन में कर क्या रहे हो आप? नेट वर्क डन निकालना है तो फिर आपने निकाल दिया तो उसको किससे इक्वेट कर रहे हो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर एनर्जी वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्टेशनरी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट कैसे हो सकती है वेलोसिटी? मतलब समझा नहीं सर मुझे। ए भाई वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे ले लिया आपने? इनिशियली क्या दे रखी है? स्टेशनरी दे रखा है क्या? हाँ सर समझ, हाँ सर समझा। हाँ सर, यस सर। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ओके, लो योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 6 ऋषिकेश। yeah. आपके yeah. यार डिस्टर्ब, आवाज नहीं आ रही। ऋषिकेश am I audible to you? हेलो सर। हाँ आ रही, अभी आ रही है। ये पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस हो रहा है? R1 से लेके R2 तक? यस सर। बचपन में वेक्टर्स पढ़ाया था मैंने। यस सर। S वेक्टर क्या होगा? R2 माइनस R1? यस सर। R2 माइनस R1 तो हमारा कितना आएगा? R2 माइनस R1 करोगे तो I cap सब्ट्रैक्ट होंगे तो I cap सर मैग्नीट्यूड माइनस J cap है, मैग्नीट्यूड रूट टू आ जाएगा। किसका? S का। मैग्नीट्यूड निकाल के क्या करोगे? फिर एंगल भी निकालना पड़ेगा cos theta के लिए। यस सर। ये S वेक्टर आ गया। F वेक्टर कितना दे रखा है मेरा? 5i माइनस 5j। यस सर, सॉरी प्लस 5j। तो F वेक्टर डॉट S वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा तो कितना का 5 माइनस 5 0 आ गया। Why do you have to calculate angle? Okay sir, समझा। Question number 6 clear है। Question number 7 माइक ऑन करो आयुष। हेलो सर। हाँ सर बोलो। सर एक्चुअली आई हैव अ डाउट इन दिस क्वेश्चन दैट if he, if the person keeps an object in his hand then the net work must be zero. Why? Sir because he applies a normal reaction. नहीं ये आप सोच रहे हो ना, ये बात ऐसा हो रहा है जरूरी थोड़ी है। आपने ये आपका मोबाइल है पकड़ रखा है आपके हाथ में, ठीक है? ऐसा आप ये हो और आप यहाँ चले गए, है ना? और यहाँ पे अभी भी मोबाइल है आपका, यहाँ से यहाँ आए। अब मुझे ये बताओ मोबाइल इस पोजीशन से यहाँ तक कैसे आया अगर उस पर फोर्स नहीं लग रहा तो? आप सिर्फ सोच रहे हो कि मैंने पकड़ रखा है, फ्रिक्शन भी तो लगेगा अगर आप उसको आगे लेकर जा रहे हो। एफ नेट हैज टू बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तभी तो ये पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ पहुंचेगा। बिना फोर्स के पहुंच जाएगा क्या? समझे? ओके। तो क्या आएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन विल गिव यू द फोर्स एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू द वर्क डन। आई बात समझ में? राइट। 40 दे रखा है आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों।
25 इज द करेक्ट आंसर, आई गेस सबका आ गया होगा. मैंने आपको बताया वर्क डन क्या होगा, एरिया होगा दिस एरिया प्लस दिस एरिया, क्योंकि यहाँ तो है नहीं, तो ये वाला एरिया कितना होगा, ट्रेपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक हो गई 4 और एक हो गई ऊपर वाली 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम 10, और नीचे वाला जो एरिया होगा वो होगा हाफ 2 इनटू -5 नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा 6 डिवाइड बाय 2 इज 3, 3 इनटू 10 30 -5 दैट इज 25 जूल्स. कोई डाउट किसी को, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट, else I'll move to the next question. Yes, Aditya, बोलो बच्चे. Sir, वो minus five कौन सा लिया? कौन सा area था? हाँ, okay. Minus five, half base into height होता है? हाँ, yeah, got it. करो next question solve. Lower your hand, Aditya. करें बच्चों डिस्कस, स्क्रीन मैंने एक्चुअली म्यूट कर दिया था. ओके, कौन करेगा डिस्कस, रेज हैंड करो. हाँ वीरति, देखो बच्चे यहां पे फोर्स लगाया 30 न्यूटन गिवन है acting at a 53 degree to the horizontal. तो इधर आ गया 30 cos 53 that is 18, ऊपर आ गया 30 sin 53 that is 24, ऊपर आ गया normal reaction 4 kg, नीचे 4g आ गया that is 40, और पीछे आ गया F kinetic that is mu n, correct? माइक ऑफ हो गया, चलो मैं वैष्णवी के साथ डिस्कस करता हूँ. वैष्णवी माइक ऑन करो बच्चे.
राइट? यस सर। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? 40 - 24 होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर 24 लग रहा है, नीचे 40 लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन 16 आ जाएगा। एफ काइनेटिक कितना आ जाएगा बच्चे? म्यू टाइम्स एन आ जाएगा। हाँ। 1/8 × 16 कितना होगा? 2 न्यूटन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा? 18 - 2 16 न्यूटन। आगे की तरफ 18 लग रहा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, राइट? यस। तो और डिस्प्लेसमेंट हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 2 मीटर। कहाँ दे रखा है? यहाँ पे। इट इज ड्रैग्ड बाय 2 मीटर। हाँ। ओके? तो अगर मैं ये सब हाइलाइटर हटा दूं, व्हाट आई कैन सी, वर्क डन नेट विल बी इक्वल टू व्हाट? एफ नेट डॉट एस 16 × 2 cos 0, क्योंकि दोनों आगे के डायरेक्शन में है। हाँ। तो आगे नेट वर्क डन इज 32 जूल्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा के। Yes. तो पहले पार्ट का आ गया, सेकंड पार्ट में डेल्टा के इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। 32 इज इक्वल टू हाफ एम, कॉमन ले लिया 4 kg, वी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेना, वी की वैल्यू 5 आ जाएगी, राइट? यस सर। राइट, यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। करो कैलकुलेट। बच्चे और जूम नहीं कर सकता हूं मैं, आप अपनी स्क्रीन को, पर्सनल स्क्रीन को जूम करो, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। आप अगर फिगर बना लोगे तो मैं क्वेश्चन को जूम कर सकता हूं अलग से। फिगर बना लिया हर्ष? तो आई कैन जूम दिस क्वेश्चन। हाँ सही है राज, सही है आपका। वीरती सही है आंसर। तमन्नत गलत है। आंसर गलत है आकर्षित,
हेमंत गलत है, दित्ति सही है आंसर, यश सही है, जने गलत है, लास्ट 30 सेकेंड्स क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं टाइम के। ओके, लोअर योर हैंड, मतलब सॉरी, जिसको भी डिस्कस करना है रेज योर हैंड। आदित्य सिंह माइक ऑन कर सकते हो? यस सर। एफबीडी बनाए? यस सर। नीचे क्या लगेगा, सॉरी यहाँ क्या लगेगा? एमजी। नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, एफ स्प्रिंग, करेक्ट। ये चार फोर्स है। यस सर। ये एक वेरिएबल फोर्स है, बट इसका वर्क डन हमें पता है। यस सर। क्या वर्क डन बाय स्प्रिंग इज हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर? यस सर। इनिशियली स्प्रिंग इज अनएक्सटेंडेड लिखा हुआ है यहाँ पे, जो मैंने हाईलाइट किया है। यस सर। ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद स्प्रिंग unextended, तो x initial कितना आ गया? 0. 0. x final कितना हो गया? 0.5. 0.5. ये रखा है? Yes, sir. Correct. तो work done by spring कितना आएगा? Half k, k is 8. 0 square minus 0.5 का square. Square. Yes, 4 sir. into minus 0.5 minus that 0.5. comes out to be minus 1. Yes sir. Clear है? Yes sir. यहाँ तक clear है? Yes sir. Clear. यहाँ पे mg cos theta, ऊपर normal reaction, इधर friction, इधर mg sin theta, और s spring का already मैं work done निकाल चुका हूँ, correct? Yes sir. है ना? तो मैं क्या देख सकता हूँ? Normal reaction की value mg cos theta लिख सकता हूँ, friction मेरा mu n होगा, तो mu mg cos theta आ जाएगा। Yes sir. ये आने के बाद f down कितना होगा? mg sin theta minus friction होगा? sin, yes sir. mg sin theta minus mu mg cos theta. mg common, तो sin theta minus mu cos theta. yes sir. m की value 2, g की value 2, 10, sin theta. 10. theta is 37 degree. तो 3 yes, by sir. 5. 3 by 5. minus mu is 1 by 8. cos theta is 4 by 5. 4 by 5. तो 20. LCM लोगे 10 आ जाएगा. 10. Yes, ठीक है. 6 minus 1, that is 5. तो ये आ जाएगा आपका कितना? 10 newton. 10 newton. F down आ जाएगा 10 newton. Work done down will be F down into S down. 10 into 0.5 cos 0, that is equals to 5. 5. Yes, sir. Net work done कितना होगा? Work down plus work done by spring. 5. Plus minus 1 is equals to what? 4. 4-0. Also work done net is equals to delta K. Delta K. So 4 is equals to half M V square minus U square. Yes sir. Half M ki value 2 V square minus 0 ka square. So V aa gaya aapka 2. 2 meter per second. Yes sir. Maine MG ka work done kyun nahi likha? Aur normal reaction ka kyun nahi likha? Kyunki wo kya ho raha hai? परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, तो उनका वर्क डन वैसे भी जीरो आने वाला है। समझ में आ रही बात? यस सर, परपेंडिकुलर है। नोट, वर्क डन बाय एमजी एंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू एमजी एंड नॉर्मल। नॉर्मल आई बात समझ में? यस सर। जिस भी बच्चे को डाउट है रेज हैंड करो। आदित्य, कोई और डाउट है क्या? नो सर। लोअर योर हैंड। एक और आदित्य है जिसने रेज हैंड कर रखा है, उसको कोई डाउट है?
सर आप ये नोट्स बाद में भेजोगे ना सर? अभी भेज रहा हूँ, जस्ट 5 मिनट में भेज रहा हूँ। ओके सर। आदित्य कोई और डाउट? आकर्षित बोलो। सर हम लोग इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकते थे? नहीं कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन करने जाओगे आपने दिमाग नहीं लगाया। स्प्रिंग फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। सर इक्वेशन ऑफ मोशन हमें k की वैल्यू मालूम है, x की वैल्यू मालूम है, तो फिर हम लोग डूड सुन लो ना, डिस्प्लेस जब हो रहा है तब एक्सेलरेशन वेरिएबल है। ओके okay, इसीलिए तो मैंने नोट पे लिखवाया था मैंने कि इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लिख सकते, यूज कर सकते, राइट? यस सर, समझा। दुबे जी बोलो। सर वो नोट एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। कौन सा नोट? सर वो जब ये आपने लिखवाया। अरे भाई एमजी किधर है? हाँ सर वो तो मैं देखा। तो वर्क डन बाय, इनफैक्ट ये एमजी नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि एमजी का तो मैंने ले लिया ना। या तो ऐसा लिखते हैं, वर्क डन बाय एमजी कॉस थीटा। हाँ यस सर। एंड नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों का जीरो होगा, ठीक है? यस सर। सर तो वेट, निशिम बोलो। सर मुझे इसमें फर्स्ट डाउट ये सर कि परपेंडिकुलर वो तो एक रीजन है, पर सर ऐसे भी समझ सकते हैं क्या, क्योंकि नेट फोर्स वैसे भी जीरो ही है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए वर्क डन तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट, उन दोनों का। हां उन दोनों का बोल रहा सर, उन दोनों का बोल रहा सर। मुझे एक और डाउट है सर। हां सर ये क्वेश्चन में नहीं सर, एक पिछले के क्वेश्चन में सर एक डाउट है सर। लेक्चर के एंड में पूछना, लोअर योर हैंड। ओके आदित्य बोलो। कैन यू प्लीज गो टू दैट इफ डाउन। हाँ तो फिर यहाँ पे हम mg sin theta minus f और minus spring force नहीं spring force नहीं निकालेंगे, spring का already निकाल चुके हैं अलग से, क्योंकि spring force variable है तो उसका ऐसे निकाला भी नहीं जाता, right? Yes sir. उसका तो formula बता ही दिया था already मैंने। Okay? Yes sir, thank you. F net down नहीं लिखा इसीलिए मैंने f down लिखा है। Okay. किसी को डाउट है तो रेज हैंड कर दो, निशे में आप भी रेज हैंड कर लो, लेक्चर ओवर हो चुका है। हाँ दुबे जी बोलो। दुबे जी सर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी जीरो ही होगा ना, मतलब वो एन वाले डायरेक्शन, इसके लिए भी तो फोर्स वर्क डन जीरो होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके निशिम बोलो, कौन सा डाउट है बच्चे? हाँ सर एचसीवी में सर क्वेश्चन टू में सर ये डाउट है सर मुझे। क्या डाउट है बोलो। सर मैंने इसको सर v इक्वल टू u प्लस 80 से आंसर आ गया था सर, लेकिन जब पहले सोचा था सर मैं, तब मुझे ऐसा लगा कि मास वो नेट फोर्स लेके क्यों नहीं कर सकते सर, मास एंड एक्सेलरेशन के, और फिर क्यों नहीं कर सकते फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया, और फिर उससे फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्यों निकाल सकते सर, क्या क्या करते हो उस टेक्निक? कोई टेक्निक में गलती नहीं है, निकालो क्या करना चाहते हो बताओ। तो मैं बोल रहा हूं सबसे पहले नेट फोर्स निकालो सर। कितना आएगा सर? मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना सर? मास टू एक्सेलरेशन 3 है सर। नेट आ गया ना 6, अब बोलो आगे। फिर वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है सर, वो फिर वर्क डन निकाल सर, इसका वर्क डन निकालेंगे, इसका वर्क डन निकालेंगे सबसे पहले। निकालो वर्क डन, कैसे निकालोगे? हां सर समझ गया सर, v u + वो फिर समझ गया सर गलती क्या कर रहा था सर, मैं फोर्स से डायरेक्टली कर रहा था, वर्क डन निकाला था सर, गलती समझ गया। थैंक यू। ओके ओके शुभम बोलो। सर जो अभी लास्ट में हम लोग ने सम किया ना ये स्प्रिंग फोर्स वाला सर, वो एक बार वापस समझा दो ना प्लीज। माइक ऑन रखो।